अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राणा शहजाद कंवर और मैं हाजिर हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज में से फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी बटन बटन आज हम डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है यकीनन आप सब लोग इसको एंजॉय भी करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड यू विल कम टू नो द सीक्रेट्स दैट व्हाई दिस स्टोरी हैड बीन included in your syllabus. आपको पता है सबसे important चीज क्या होती है? सबसे important चीज होती है कि कोई भी chapter, कोई story, कोई piece of literature आपकी syllabus में शामिल क्यों किया जाता है? When you are able to understand this theory, you will be able to understand the importance of the chapter, theme of the chapter and story of a certain piece of literature. So, dear students, आज आप जानने के काबिल हो जाएंगे कि ये button button क्या है? What is this button button? This whole discussion about it. हम इस आज lecture में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो हम discuss करेंगे कि button button है क्या? और उसके बाद हम इसकी themes discuss करेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी स्टोरी लाइन देखेंगे और स्टोरी लाइन जानने के बाद समथिंग अबाउट योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन में इसका क्या पार्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और फिर पास्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यूज आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा जो आपके पेपर में जरूरी आ सकते हैं। अच्छा जी, तो बीइंग एन एग्जामिनर, एग्जामिनर ऑफ बोर्ड्स, आई कैन टेल यू व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी और एनी चैप्टर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो वी आर स्टार्टिंग विद द टाइटल ऑफ द स्टोरी बटन बटन, रिटन बाय रिचर्ड मैथिसन। हु वॉज रिचर्ड मैथिसन? Richard Matheson was a story writer, but he wrote new type of stories. आप सब लोग जानते होंगे zombie concept. जानते हैं zombie concept क्या है? Zombie concept जो था stories में, वो first time आप लोगों ने movies देखी होंगी यकीनन, dramas, English dramas में, movies में, आपने fiction में देखा होगा के जोम्बीज पे लिखा जाता है और जोम्बीज के बारे में बच्चे आजकल बहुत क्यूरियस भी होते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिचर्ड मैथिसन ने फर्स्ट टाइम दिया था। इनकी एक मूवी है, ये एक स्क्रीन राइटर है और इनकी एक मूवी है आई एम लेजेंड, वो आप जरूर देखिएगा, वो बहुत जबरदस्त भी है और वो एक यकीनन हमें मैसेज देती है इस लाइफ के बारे में और होल वर्ल्ड के बारे में। फिर उसके बाद ये स्टोरी बटन बटन इसी लेजेंडरी राइटर से बिलोंग करती है। हम अब स्टोरी की तरफ जाएंगे, हम ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करते राइटर पर क्योंकि इसके मुतालिक फर्स्ट ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है जी। सो लेट्स कम टूवर्ड्स द स्टोरी व्हिच इज सो एम्बिगुअस, अनक्लियर एंड वेरी ट्रिकी। क्यों है ये? एक स्टोरी ट्रिकी क्यों होती है? जब वो साइकोलॉजी पर बेस करती है, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे बेस करती है, जब वो इंसान की वो सोच जो उसके अंदर छुपी होती है उस पे बेस करती है तो यकीनन वो ट्रिकी हो जाती है। सो लेट्स कम टूवर्ड्स साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द मॉडर्न मैन कंपेयरिंग विद एडम एंड ईव। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो कभी किसी ने ऐसी बात ही नहीं की कि एडम एंड ईव का नॉर्मा मिस नॉर्मा। ओके, सो देयर आर कैरेक्टर्स नॉर्मा, आर्थर, लुइस एंड देन मिस्टर
steward. There were three characters of Adam, Eve, and Satan. So, this is the triangle. The triangle of Adam, Eve, and Satan. Here also, you find a triangle of Norma, Arthur, and Mr. Stewart. Lekin, behtareen ek jo iski triangle banti hai, wo ye hai, ki aap samajh dein, ek angle jo hai, jo dono ko juda karta hai, alag karta hai. Kahani shuru hoti hai, Adam and Eve se, ki jab वो इस कायनात में खुदा ताला की जात ने उनको भेजा, वो जन्नत में रहते थे, they were living quite happy life, but there is an entry of Satan. Satan ने क्या किया, शैतान ने क्या किया था, ईव को उसने टेम्प्टेड किया, उसने उसको टेम्प्टेशन दी और ईव उसकी टेम्प्टेशन में आ गई. और ईव ने वो काम किया जो खुदा ताला ने उसे इजाजत नहीं दी हुई थी. शी क्रॉस द लिमिट्स. आई हैव स्पोकन द वर्ड लिमिट्स. सो इफ वी से थीम ऑफ द स्टोरी इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, टेम्पटेशन एंड लिमिट्स. So, you can see here, there are two words that I have written. Temptation was given from Satan and Norma crossed the limits. So, after crossing this limitation that God has circled around them, Adam sacrificed himself because of Eve. एडम ने ईव की वजह से खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, हालांकि एडम का उसमें कोई गुनाह नहीं था. गुनाह किसका था? ईव का. बट देयर वॉज द अनलिमिटेड लव ऑफ एडम, द फादर ऑफ होल ह्यूमन काइंड, द होल ह्यूमैनिटी. ही सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द लव ऑफ हिज वाइफ. Here we find Norma. Norma is a modern lady. So we are coming back towards modernity. We are coming back towards evoluted civilization. Evolution हुआ हजारों साल का. हमने शुरू की जिंदगी और आहिस्ता 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 इंसान सिविलाइजेशन की मंजिलें तय करता गया और वो सारी मंजिलें तय करने के बाद, वो स्टेप्स तय करने के बाद हम समझते हैं कि नाउ वी आर सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स. हमें अच्छाई और बुराई का पता चल गया हुआ है. बट द राइटर इज सेइंग समथिंग एल्स. रिचर्ड मैथिसन सेज हम अभी वही खड़े हैं जहां से एडम और ईव चले थे. समझ रहे बात को बच्चों? कहता है हम वहीं खड़े हैं जहां से एडम और ईव चले थे. एडम ने उसी तरह कुर्बानी दी ईव के लिए सैटन की टेम्पटेशन पर. सो हियर नॉर्मा, नॉर्मा इज द वुमन हु इज टेम्प्टेड बाय मिस्टर स्टुअर्ट. मिस्टर स्टुअर्ट की वजह से वो टेम्प्टेड होती है. और Arthur Lewis is a very humble, a very honest, and a very human heart person. अगर आप Google पे जाते हैं और Arthur word का meaning आप search करते हैं, you will find the man of principle, the man of honesty, the person who loves other. ठीक है? अगर आप steward का word गूगल करते हैं तो यू विल फाइंड
कि स्टूवर्ड मींस क्या है। स्टूवर्ड का मीन है अटेंडेंट और समवन हु काउंसल अदर्स, जो दूसरों को काउंसल करता है। अच्छा, और अगर हम नॉर्मा का वर्ड मीनिंग इसका देखते हैं तो इट्स अ लैटिन वर्ड, इट नथिंग गिव्स टू मच, बट इसका मीनिंग भी हमें कुछ इसी तरह का मिलता है कि नॉर्मा इज अ लेडी हु इज टेम्प्टेड, एक गॉडेस के हवाले से इसकी एक हमें थीरी मिलती है। ठीक है, सो रिचर्ड मैथिसन ने जो कैरेक्टर्स लिए और उन कैरेक्टर्स के जो उसने नेम्स सजेस्ट किए हैं, दोज नेम्स आर आल्सो सजेस्टिव। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम आगे चलेंगे, अभी यहां तक बात कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, ये तो सारी थीम्स हमने डिस्कस कर ली कि टेम्पटेशन कैसे हुई, लिमिटेशन कैसे क्रॉस हुई, काम किसने किया, आर्थर लेविस अब क्या करता है, और आर्थर लेविस का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है। जी, नॉर्मा टेम्प्टेड हुई, एक पीस ऑफ पार्सल उनके घर आता है। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टोरी लाइन। वेयर इज स्टोरी लाइन? आपको पता है जी, जब तक आपको स्टोरी लाइन का नहीं पता होगा, आप उतनी देर तक अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये है कि इसमें जो रीडिंग फैक्टर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग जरूर होनी चाहिए, स्टोरी की रीडिंग करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टोरी। देन स्टोरी लाइन में क्या है जी, बड़ी जबरदस्त और बड़ी मजेदार स्टोरी है, समझने वाली है, हमारी जिंदगी में से ये ली गई है, और यकीनन इसमें सिर्फ वही चीजें डिस्कस हुई हैं, हमारे वही फिनोमेना साइकोलॉजिकल जो हम आम तौर पर बिहेवियर शो करते हैं लाइफ में। असल में यहां पर स्टोरी लाइन में अगर आप देखते हैं तो स्टोरी कहां से स्टार्ट हो रही है, शाम को 8 बजे मिसेस स्टूवर्ड इनके घर तशरीफ लाते हैं। मिसेस स्टूवर्ड इनको बताते हैं जी कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। क्या ऑफर है जी? ऑफर ये है कि देयर इज अ पैकेज एंड इन दैट पैकेज देयर इज अ बॉक्स एंड बॉक्स हैज अ बटन। देयर इज अ बॉक्स, बॉक्स हैज अ बटन, द पुश बटन। ऑलराइट, इफ समवन पुशस द बटन, any person in the world whom she doesn't know will die. एक ऐसा बंदा दुनिया में जिसे वो लोग नहीं जानते होंगे वो मरेगा, और उसके मरने पर यानी ये बटन प्रेस किया तो someone will die and on the death of that person they will receive 50,000 dollars. They will receive $50,000. This is a big amount. Even in America, $50,000 is a big amount. So it's a great temptation. जैसे ही मिस्टर आर्थर लेविस ये बात सुनते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। उनका रिएक्शन जो है वो गुस्सा है, ही इज एंग्री, और वो साथ ही मिस्टर स्टूवर्ड को जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं पकड़ो ये अपना बटन यूनिट, पकड़ो ये अपना कार्ड और आप जाओ। लेकिन मिस्टर स्टूवर्ड ये जान जाते हैं कि मिस नॉर्मा विल कंप्लाई with these all things. कैसे? स्टोरी में आप देखें जरा, जैसे ही मिस्टर स्टूवर्ड दाखिल होते हैं तो वो जाके लिखा हुआ है he sat in Norma's chair. Here is the symbol.
जब भी आप बेटा लिटरेचर पढ़ते हैं एट दैट टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि सिंबल्स क्या हैं, सिंबलिज्म क्या है, और सिंबलिज्म हमेशा स्टोरी को फॉरवर्ड होने में, उसके आगे चल के जो उसका एंडिंग कोर्स होता है उसके लिए वो बता रहे होते हैं ऑलरेडी कि आइंदा क्या होने वाला है. सो व्हेन मिस्टर स्टुअर्ट सैट इन नॉर्मा चेयर इट टेल्स अस दैट मिस नॉर्मा इज गोइंग टू बी टेम्प्टेड by Mr. Stewart. She will be ensnared. वो फंस जाएगी. समझे बात को? उसके बाद आगे चलते हैं हम. Mr. Stewart उसकी कुर्सी पर बैठे. Mr. Stewart ने वो सारी बातें की. Mr. Stewart जाते हुए अपना कार्ड छोड़ जाते हैं. हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है. हम भी अक्सर औकात लोगों के जाल में इसी तरह फंसते हैं, टेम्पटेशन में इसी तरह आते हैं कि वो जाते हुए अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे गया. मिस्टर आर्थर लेविस क्योंकि बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने उस कार्ड को टुकड़े टुकड़े किया और फेंका, चले गए काम पे चले गए. बट नॉर्मा सारा दिन उसके बारे में सोचती रही कि भाई ये वैसे है तो चीज एक ठीक है कि हमें $50,000 मिले. अब तकरार शुरू होती है. द मेन कोर्स ऑफ द स्टोरी, तकरार समझते हैं, रेपिटिशन. द वर्ड बटन 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 इज रिपीटेड ऑल द टाइम. सो नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टाइटल. मैंने क्यों नहीं इस टाइटल को फर्स्ट में बहुत ज्यादा डिस्कस किया और नहीं समझाया था, क्योंकि मैं इसी लम्हे पे आके आपको समझाना था. स्टोरी में जब बार बार बटन की बात होती है तो वो क्या है, बटन टाइटल क्यों है बटन बटन इसका. एक्चुअली बटन और बटन ये दोनों क्या है जी, नाउन्स हैं. दिस कॉमा शोज दैट दीज टू बटन्स आर नाउन. ऑलराइट, एक तो पहले ये क्लियर हो गया, ये नाउन है. उसके बाद हमें वो बताता है बटन एंड बटन, बटन एंड बटन, बटन बटन मीन्स कि वो बार बार रिपीट होता है. जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं स्टोरी में क्या हो रहा है जी, मॉर्निंग है, बैठे हैं और बटन 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 बात शुरू हो गई है. मिस नॉर्मा उसको कहती है बार बार अपने हस्बैंड को कि हमें वी शुड पुश द बटन. वो आगे से कहता है नहीं, वी कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट पुश द बटन. और फिर उसके बाद मॉर्निंग में बात हुई, वो चले गए, वापस आए, इवनिंग में फिर बात हुई, फिर आर्थर लेविस ने आगे से इनकार कर दिया, फिर नॉर्मा उसको परसुएड करना शुरू कर दिया. यानी क्या होता है, नॉर्मा स्टार्ट्स परसुएडिंग हर हस्बैंड. सो दिस परसुएशन इज एक्चुअली द रेपिटिशन ऑफ द वर्ड बटन बटन बटन. स्टोरी चलती है, सुबह हुई और आर्थर लेविस जो है वो सुबह ब्रश कर रहा है. मिसेस नॉर्मा वहां पर फिर उसको बताती है कि क्यों ना हम बटन को प्रेस करते हैं. लेकिन वो फिर परेशान है. जब शाम को तकरार हुई तो उसने उसको कुछ चीजें बताई कि मैं ये क्यों करना चाह रही हूं. देयर इज अ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज ऑल्सो कि मिस नॉर्मा कौन सी उसको कॉजेज बताती हैं जिन कॉजेज की वजह से उन्हें बटन दबा देना चाहिए. ठीक है जी, वो उसको कहती है कि न्यू होम, न्यू कार एंड गुड लाइफस्टाइल एंड ट्रिप टू यूरोप. ये उसने कॉजेस बताई हैं जी. उसने कहा जी कि नया घर होगा हमारा, नई कार लेंगे, गुड लाइफस्टाइल होगा और ट्रिप टू यूरोप करेंगे.
अब ये वो चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में टेम्प्ट करती हैं, जो सिर्फ नॉर्मा को टेम्प्ट नहीं कर रही, जो हर एक यंग लेडी को टेम्प्ट करती है। आप लोगों ने ये लाइफ में, अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। और वो उसको परसुएड करती रही, बार 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 समझाती रही, लेकिन आर्थर लेविस इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ही कंसिडर्स इट अ मर्डर। वो इसे कंसिडर करता है कत्ल, किसी भी शख्स का अपनी वजह से कत्ल कर देना। अब नॉर्मा कहती है, वी डोंट नो द पर्सन हु इज बीइंग किल्ड, अननोन पर्सन इज बीइंग किल्ड बाय अस, सो दिस इज नॉट अ मर्डर। वो एक फेक सी जो है ना इस पे बना लेती है थीरी कि ऐसा शख्स जिसको हम जानते ही नहीं हैं, वो मर्डर तो ना हुआ, वो कत्ल तो ना हुआ, ये क्या है। दो चीज़ें अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जेन में रखनी है। एक, उसने टेम्पटेशन के बारे में बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें उसको टेम्प्ट कर रही थी, ठीक है। दूसरा, उसने एक थीरी बताई है यहाँ पे, अननोन पर्सन मर्डर, वो क्या है। वो ये है कि जब हम जिंदगी में कुछ बुरा करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वी क्रिएट सम assumptions, सम थीरीज, कुछ भी बुरा करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए, अपनी किसी इश्तहा को पूरा करने के लिए, अपनी किसी हंगर को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने आप से कुछ लॉजिक्स बना लेते हैं। हम ऐसी लॉजिक्स बनाते हैं जो असल में होती नहीं है, लेकिन हम उनको क्रिएट कर लेते हैं इसलिए क्योंकि हम उस लॉजिक को बहाना बना के हम वो काम करना चाह रहे होते हैं, हम लिमिट्स क्रॉस करना चाह रहे होते हैं और उसके हम एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। दोज फेक एक्सक्यूजेस ऑलवेज टेक अस टूवर्ड्स द पिट, द डीप पिट वेयर फ्रॉम वी कैनॉट कम। समझ आई बात की? हम ऐसे वो जो लॉजिक्स बनाते हैं, वो लॉजिक है ये अननोन पर्सन, ऐसा बंदा जिसको हम जानते नहीं है। और फिर उसके लिए एक अगर ह्यूमन हार्ट हो, मिस्टर आर्थर लेविस जैसा, वो क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई बंदा चाहे चाइना में मरे, वो कहती है नॉर्मा कि अगर चाइना में कोई पेशेंट मर जाता है तो फिर क्या होता है, अगर अगर नाइजीरिया में कहीं कोई शख्स जो है वो मर जाता है तो हमें उससे क्या है। तो आर्थर लेविस कहता है फिर कोई हमारे ही ब्लॉक में कोई छोटा सा खूबसूरत सा बच्चा भी तो फौत हो सकता है, उसके बारे में क्या ख्याल है। सो इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, सो समथिंग समथिंग एनीथिंग, इफ देयर इज अनसर्टेनिटी सो एनीथिंग वुड बी हैपेंड। सो ये हुआ जी, आगे चलते हैं। ये उसकी हो गई अननोन पर्सन वाली एक्सक्यूजेस, पर्सुएशन हो गई। बट अब लास्ट टॉक उनकी आ जाती है। लास्ट टॉक ये है जी, सुबह का टाइम है और जो मिस नॉर्मा है वो बटन यूनिट वापस ले चुकी है। कैसे? क्योंकि मिस नॉर्मा उसको कॉल करती है मिस्टर स्टूवर्ट को, वो कार्ड का टुकड़े ले जाती है, उनको जोड़ती है, कॉफी ब्रेक में उसको जोड़ती है और लंच ब्रेक में, ये बेटा बार बार आ चुका हुआ आपके पेपर में एमसीक्यूज में, कि वो कॉफी ब्रेक में क्या करती है और लंच ब्रेक में क्या करती है, यानी वो कार्ड के टुकड़ों को आपस में एक दफा जोड़ के देखती है और फिर उनको स्कॉच टेप करती है और बाद में वो लंच ब्रेक में उसको मिस्टर स्टूवर्ट को कॉल कर देती है। मिस्टर स्टूवर्ट को जब वो कॉल करती है तो उसको कहती है कि ये तुम जो कह रहे हो क्या ये बिल्कुल सही है, मुझे नहीं लगता और मैं तुम पे बिलीव भी नहीं कर रही कि तुम्हारी बातों पे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन लेकिन तुम मुझे बताओ इस बारे में। मिसेस स्टूवर्ट जब उसको कहता है कि आप चाहती हैं कि मैं बटन यूनिट वापस दे दूं, वो कॉल कट कर देती है, शी हंग द कॉल अब्रप्टली। बट व्हाट हैपेंस, मिसेस स्टूवर्ट कम्स टू नो द टेम्पटेशन इन द माइंड ऑफ मिस नॉर्मा। साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द मॉडर्न मैन कंपेयरिंग विद एडम एंड ईव, के नॉर्मा अभी भी उसी टेम्पटेशन पे खड़ी थी,
और इस सैटर्न की तरह ये स्टूवर्ड जान चुका था कि इसके अंदर टेम्पटेशन है और ये टेम्प्ट हो सकती है। और वो क्या होता है, बटन यूनिट वापस उनके घर आ जाता है। जब वो आती है शाम को, आगे दरवाजे पर देखती है बटन यूनिट पड़ा हुआ है, पार्सल उसी तरह से, वो उठाती है घर ले जाती है। अब फिर वही बात एक्सक्यूजेस वाली, एक्सक्यूज बनाती है कि मैं इसे बाद में बाहर फेंक दूंगी, और ले जाती है, ले जाकर रख लेती है, किचन में छुपा लिया। बॉटम कैबिनेट का जिकर करता है राइटर, वो कहते हैं शिपोड इट इन द बॉटम कैबिनेट, मतलब इसका क्या था, नीचे वाली कैबिनेट में साइड पे कर दिया कि आर्थर को नजर ना आए। और यही छोटी छोटी चीजें होती हैं लाइफ में भी, जो एक दूसरे अपने पार्टनर से छुपाने पर बाद में नुकसान हमें देती हैं। और क्या हुआ जी कि मिस्टर स्टूवर्ट दे जाता है उसे, वो उसको अंदर रख लेती है, और फिर बाद में आर्थर आया। उसके बाद फिर उसने एक निगोशिएशन की कि क्या हो सकता है, हम अगर इसको बटन को दबा दें। वही बातें उसने सारी रिपीट हुई। मॉर्निंग हुई, अब मॉर्निंग वाला वही टाइम आ गया जहां पर वो बैठे हुए हैं और लास्ट टॉक उनकी हो रही है। लास्ट टॉक आ जाती है जी, जिसमें वो उसको कहती है कि अगर हम इस बटन को दबा देते हैं तो हमें कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रही, ये हम दोनों के लिए है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। लेकिन मिस्टर आर्थर लेविस इस बात पे डिसगस्टेड नजर आते हैं, ये उसने लिखा हुआ है, उसका उसका रंग पीला पड़ गया और वो रिटायर हुआ अपनी उस गुफ्तगू से। वो उसको समझा रहा था, नॉर्मा इट्स स्टिल अ मर्डर, बट नॉर्मा वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग। और फिर क्या होता है, फिर मिस्टर आर्थर लेविस रिटायर हो जाते हैं अपनी बातचीत से। वो मिस्टर आर्थर लेविस चले जाते हैं ऑफिस, और नॉर्मा घर में रहती है। वो अपने घर के काम निपटाते हुए बॉक्स निकालती है, सोचती है कि हम इस ऐसी हल्की सी बात पे, छोटी सी चीज़ पे इतना क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। वो बटन दबाने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरकार शी पुश द बटन। बटन दबाने के बाद बॉक्स उठाया, बास्केट में फेंक दिया, और उसके बाद वो अपने बाकी काम किए। एक दफा जब वो बटन दबा रही थी तो राइटर लिखता है एक चिल ऑफ हॉरर जो थी ना, वो उसके अंदर से जिस्म से एक दफा गुजर जाती है। और क्या होता है, उससे उसको लग रहा था कि क्या वाकई को मर रहा होगा। इंसान जब भी कुछ बुरा करता है, गलत करता है, तो फिर एक दफा उसको उसका जमीर जरूर झंझोड़ता है। यही नॉर्मा के साथ भी हुआ। आर्थर लेविस चले गए। अब आ जाता है $50,000 का सवाल कि उसने $50,000 की बात ही क्यों की थी। सो $50,000 ये वो हैं जिनके बारे में नॉर्मा को सबसे पहले ख्याल आता है जब उसके हस्बैंड की डेथ की कॉल आती है। दैट इज द इंश्योरेंस, ठीक है, ऑफ मिस्टर आर्थर विद डबल इंडेमनिटी। ठीक है जी। अब ये डबल इंडेमनिटी के साथ ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी किसकी, मिस्टर आर्थर की। मिस्टर आर्थर चले गए और लिनॉक्सल हॉस्पिटल से उसे दोपहर को कॉल आती है इन द आफ्टरनून कि आपके हस्बैंड एक सबवे एक्सीडेंट में मारे गए हैं, उनकी डेथ हो गई हादसाती तौर पर। अब कैसे हादसा हुआ, मिस्टर आर्थर लेविस खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे और क्राउड में उनको धक्का लगता है और वो जा गिरते हैं ट्रेन के सामने, मर जाते हैं। इंश्योरेंस क्या होती है कि बंदे का डबल इंडेमिटी उस टाइम मिलती है जब उसकी मौत हादसाती होती है। राइटर लिखता है कि जब वो जा रहा था अपनी बात से रिटायर होके, तो हिज फेस वॉज वाइट, द वर्ड रिटन इज वाइट।
You know, beta, white is the symbol of white face, is the symbol of coming death in literature. लिटरेचर में व्हाइट फेस आने वाली मौत का सिंबल होता है. आपने देखा होगा जो लोग फौत हो जाते हैं, मरने के बाद चेहरा जो होता है उसमें से ब्लड निकल के वाइट सा हो जाता है, पेल हो जाता है. मिस्टर आर्थर लेविस उसी टेबल पर डिसाइड कर गए थे कि इसको पैसे चाहिए, $50,000 चाहिए, और अब मेरी मौत जो है वो यकीनन वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए इसको ये $50,000 दे सकती है. ही डिसाइडेड हिज डेथ एंड इट वॉज अ सुसाइड कमिटेड बाय मिस्टर आर्थर लेविस. इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट. क्यों? जैसे ही कॉल आई, सबसे पहली बात मिस नॉर्मा को जो सुनाई देती है, सुझाई देती है, समझ आती है, वो ये पहली बात वो सोचती है, आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. 25,000 की पॉलिसी थी जिसके मिलने थे $50,000. ये कनेक्शन है इस पूरी थीरी में कि ये कैसे हैपन हुआ. फिर उसके बाद मिस्टर स्टूवर्ड क्या है? मिस्टर स्टूवर्ड इज ओनली अ टेम्पटेशन. मिस्टर स्टूवर्ड इज ओनली द पर्सन हु नोज द साइकी ऑफ द पीपल. वो साइकी से खेलता है. क्योंकि जैसे ही वो खबर आई, उसके पहला बात जिक्र पहली बात उसके जहन में उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आई. उसे पता चला कि आर्थर लेविस ने हादसाती मौत अपनी डिसाइड की थी इसलिए क्योंकि मुझे $50,000 मिल सके. क्यों? क्योंकि एडम की तरह लेविस भी, मिस्टर आर्थर लेविस भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था अपनी मोहब्बत पर. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं. जरा मिस्टर स्टूवर्ड भी खेल रहा था उनकी साइकी से. उसे पता था कि ये बीबी अगर हो जाती है, टेम्प्ट हो जाती है, ये लिमिटेशन क्रॉस करेगी, तो यकीनन फिर इसका हस्बैंड इसके लिए कोई ना कोई कुर्बानी देगा कि इसको वो सारा कुछ दे सके जो ये चाहती है. ठीक है जी, फिर कहानी की एंडिंग आ गई है कि वो बॉक्स को खोलती है. जब उसको वो बॉक्स को चेक करती है तो उस बॉक्स में कुछ भी नहीं है. देर आर नो वायर्स, नो ट्रांजिस्टर्स, नो ट्यूब्स, नथिंग एल्स, नो एनी कनेक्शन, बट ओनली अ बटन फिक्स्ड ऑन द बॉक्स, नथिंग एल्स. क्या हुआ जी? इसका मतलब है कि बॉक्स में कुछ नहीं था, असल में वो सब था कनेक्शन में. कनेक्शन कहाँ था? हमारे साइकोलॉजी में. ह्यूमन कनेक्शन की बात यहां पे हुई है जिसको किसी वायर की जरूरत नहीं होती. और दूसरा, जो गड़ा दूसरों के लिए खोदा जाता है वो गड़ा अपने लिए भी हमेशा पहले से बना हुआ होता है. और फिर क्या हुआ? उसने किसी को मारने की कोशिश की, अपना हस्बैंड चला गया. उसको जरूरत किसकी थी? दौलत की, और उसे वो दौलत मिल गई. और फिर बाद में मिस्टर स्टूवर्ड की कॉल आती है नॉर्मा को. मिस्टर स्टूवर्ट के जैसे ही कॉल आती है, नॉर्मा बमुश्किल भागते हुए रिसीवर उठाती है और उठा के उसको कहती है, तुमने तो कहा था कि जो शख्स मरेगा मैं उसे जानती नहीं होंगी. द लास्ट सेंटेंस बट द ग्रेट ब्यूटिफुल सेंटेंस क्या है? वो कहता है, मिसेस नॉर्मा, डिड यू नो योर हस्बैंड रियली? वो कहता है, क्या आप हकीकत में अपने हस्बैंड को जानती थी? तो फिर क्या पता चला हमें? ये कोई इतनी अपेरेंट स्टोरी नहीं है, बहुत डीप स्टोरी है. वही सारी सिंबल्स जो मैंने आप लोगों से सारी डिस्कस की हैं. इसका मतलब क्या है? जानती तो वो थी, आर्थर है, रोज मिलते हैं, हस्बैंड है, लेकिन वो कहता है कि जानना चेहरे से जानना नहीं होता. जानने से मुराद है किसी शख्स के करेक्टर को जानना. वो आपके लिए क्या कर सकता है इस चीज को जानना, वो आपके लिए कितनी कुर्बानी दे सकता है ये चीज जानना, वो आपके लिए अपनी जान तक भी दे सकता है ये जानना. अगर आप उसे जानती होती तो यकीनन आप ये सब नहीं करती. ये है जी कंप्लीट स्टोरी. मैंने थीम्स डिस्कस कर दी, मैंने स्टोरी लाइन डिस्कस की,
हमने इसका टाइटल डिस्कस किया, उसके बाद कैरेक्टर्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मुझे बड़ी उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। मेरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देर आर एट वर्ड्स जिनके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट हुए हुए हैं और आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। और मुझे कभी उम्मीद है हमेशा यही रिपीट होते हैं। अगर बटन में से कोई वर्ड लिया जाता है सिनोनिम्स के लिए तो यही है आपके पेपर में। अब स्टोरी में से सिनोनिम्स आ जाएंगे, उसके बाद वन लाइन एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफर्ड टू मिस नॉर्मा, ठीक है जी। उसमें आगे वो फोर ऑप्शंस दे देता है, $20,000, $25,000, $40,000 या $50,000। तो फिर आप क्या बोलेंगे, $50,000। एक तो ये होते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप के एमसीक्यूज क्या है जी, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जो होते हैं उनमें आपको एक वर्ड दिया जाता है और फोर ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपने उसमें से कोई चूज करना है। वो मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि इसमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थर्ड चीज क्या है जी, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और वो फिर आप क्वेश्चन आंसर्स, तो 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता ही। उसके बाद क्या होता है जी, इसमें से पंक्चुएशन आती है। और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, पंक्चुएशन जो है ना वो इस चैप्टर की इतनी जबरदस्त है और इतनी ज्यादा यूज हुई है कि सिर्फ इसी की पंक्चुएशन आप प्रिपेयर कर लें, आपको कहीं और से पंक्चुएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें उसने कंप्लीट पंक्चुएशन यूज की हुई है, ठीक है जी। अब मैं आता हूं उन वर्ड्स की तरफ जो वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड है जी पैकेज। पैकेज वर्ड है और इसका सिनोनिम क्या होगा, पार्सल। देन वेगली, वेग का मतलब क्या होता है जी, वेग का मीनिंग होता है समथिंग अनक्लियर, ऐसी चीज जो वाजे ना हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, अनक्लियर। उसके बाद वर्ड ओफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है जारहाना, ऐसा काम जो आपको करने में, यानी करते हुए जो आपके सामने किया जाए वो आपको अच्छा ना लगे, अनप्लेजेंट। इसका सिनोनिम क्या होगा, अनप्लेजेंट। देन वर्ड इज कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस का उर्दू में मीनिंग होता है तहकीराना या तहकीर आमेज लहजे में बात करना, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होगा, स्कॉर्नफुल। सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास, सिक्स्थ वर्ड अपर्ड। अपर्ड का मतलब होता है डर जाना, खौफजदा हो जाना, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होगा, हॉरिफाइड। देन हमारे पास सेवंथ वर्ड है जी इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है यकीन ना करना, बेयकीनी होना, बिलीव ना होना, ठीक है जी। और इसका सिनोनिम क्या होगा, डिसबिलीफ या फिर डाउटफुल। और एट्थ वर्ड है डिसगस्टेड, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होगा, अपर्ड। अपर्ड हैरानो परेशान हो जाना या खौफ की सूरत में आ जाना, ठीक है जी। ये बेटा 8 हमारे पास सिनोनिम्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंडिंग सेक्शन, क्वेश्चन एंड आंसर्स। वैसे तो इस स्टोरी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उन 3 क्वेश्चंस में फर्स्ट तो क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड मिस्टर आर्थर लेविस डिसएग्रीड, व्हाई डिड मिस्टर आर्थर लेविस डिसएग्री विद हिज वाइफ, यानी वो उसने डिसएग्री क्यों किया। इसमें मिस्टर आर्थर लेविस का करेक्टर भी आ जाता है, मिस्टर आर्थर लेविस की थिंकिंग भी आ जाती है। कोई भी मिस्टर आर्थर लेविस के मुतालिक क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आप इसमें अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है जी, व्हाई डिड शी ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड, मींस व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड। इसमें उसका कॉजेस आ जाएंगी, कॉजेस जो बयान की थी, उसने क्यों कोशिश की थी, नॉर्मा का कैरेक्टर क्या था, ये सारी चीजें इसी क्वेश्चन में बंद हो जाती हैं। अगर आप ये प्रिपेयर करते हैं तो नॉर्मा के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट है जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके गिर्द सारी स्टोरी घूमती है, वो क्या है,
वो है जी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिस्टर आर्थर लेविस? ये है जी टोटल आपकी स्टोरी बटन बटन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर पेपर. और पेपर में अटेम्प्ट करते हुए यकीनन अगर आप स्टोरी को उसकी थीम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एडिशनल क्वेश्चंस के हवाले से जो होते हैं उसमें भी कोई, मैं आपको एक बात बताता जाऊं, मैं हर लेक्चर में एक ट्रिक बताऊंगा आपको, एग्जामिनेशन ट्रिक, बिकॉज आई एम बोर्ड एग्जामिनर, तो उसके हवाले से मैं एक ट्रिक आपको बताता जाऊं, वो ये है कि जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं होते वो कहीं और से नहीं बनते, वो होते असल में वही क्वेश्चंस हैं जो 8 to 9 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए गए होते हैं, जस्ट उसकी स्टेटमेंट चेंज होती है. ठीक है, स्टेटमेंट चेंज होती है. वो स्टेटमेंट चेंज कैसे होती है और उसका तरीकाकार क्या है, एग्जामिनर जब पेपर बना रहा होता है वो कौन सी चीज़ मतलब मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन प्रिपेयर करता है, आपके लिए तैयार करता है, बनाता है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोग मेरे साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में होंगे और उसको आप ज़रूर देखिएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ामिनर आपके लिए क्वेश्चन सेट कैसे करता है और उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है. उस स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए आप थोड़े से सवाल प्रिपेयर करेंगे और आप अपना पूरा पेपर 100% अटेम्प्ट कर सकेंगे. These things will be discussed in next lecture. Till that time, stay tuned with me. Thank you. Allah Hafiz. Rana Shahzad Kamar ko ijazat dijiye. Career Karwan, dekhte rahiye. Allah Hafiz.